मेरा नाम विशाल है, मैं पटियाला से ही हूँ। और ये जो बेबी है वो मेरी सिस्टर का था। एक्चुअली बेबी वॉज सफरिंग फ्रॉम ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो जॉन्डिस, वेरी हाई इन्फेक्शन वॉज ऑल्सो हाई, पर ही बेबी रिकवर्ड स्लोली एंड विद पेशेंट्स। आई डॉक्टर डॉक्टर नीरज अरोड़ा हेल्प अस वेरी ग्लैडली। बेबी बहुत बीमार था, हम मणिपाल हॉस्पिटल में लेके आए, तो डॉक्टर ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कवर किया, रिकवरी की। बच्चा यहाँ 10 दिन रहा, हम बहुत खुश रहे, हॉस्पिटल ने बहुत अच्छा केयर किया है बच्चे का, तो हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं डॉक्टर को और स्टाफ को जिन्होंने इतना अच्छा केयर किया। अब बेबी बिल्कुल सही है। वैसे हम एक बार तो पूरा घबरा गए थे, पर डॉक्टर ने इमरजेंसी में बहुत अच्छे तरीके से संभाला, हमें मोटिवेट किया कि बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मणिपाल हॉस्पिटल का मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ, और सर का भी, डॉक्टर नीरज अरोड़ा का, और एक्चुअली स्टाफ का भी, फार्मेसी ओपीडी सब ने बहुत अच्छा किया, केयर किया। वी आर वेरी लक्की टू हैव मणिपाल हॉस्पिटल। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर नीरज अरोड़ा है। मैं मणिपाल हॉस्पिटल पटियाला में पिछले 8 साल से चाइल्ड और न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। हमारे पास बेबी ऑफ शिफाली, जिन बेबी के बारे में अभी बात हो रही है, 4 जून 2022 को, जब उनकी उम्र कुछ चंद घंटों की थी, तो उस टाइम पे वो हमारे पास एडमिट होने के लिए आए। उस वक्त उनको जो बेसिक प्रॉब्लम थी वो पीलिया बहुत ज़्यादा था, जो कि चंद घंटों में ही बहुत ज़्यादा पीलिया उनको हो चुका था। लेकिन जब टेस्ट्स करवाए गए तो पीलिया का मेन कारण जो है वो माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप का मिसमैच था। मदर RH नेगेटिव थे और बेबी पॉजिटिव थे। उसके अलावा उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन पाई गई और उस इन्फेक्शन का असर लगभग उनके शरीर के हर अंग में पाया गया, यानी कि फेफड़ों में उनको सांस लेने में तकलीफ़ थी, जिसकी वजह से उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत कम से कम 5-6 दिनों तक रही। उनके लिवर में बहुत ज़्यादा सोजिश पाई गई, जिसको दवाइयों के साथ धीरे 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 ठीक किया गया। किडनी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, जिसकी वजह से उनको यूरिन पास करने में भी प्रॉब्लम थी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उनका जो खून था, जो कि एक नए जन्मे बच्चे में तकरीबन 16-17 ग्राम के आसपास रहता है, वो चंद घंटों में ही 6 ग्राम खून जो है वो रह गया था। और उनके जो सेल्स हैं, प्लेटलेट सेल्स हैं, वो भी 20,000 की रेंज में थे। इन दोनों पैरामीटर्स को हमको बार बार खून चढ़ा के, इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक्स दे के ट्रीट करना पड़ा। मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारी टीम का, हमारी नर्सरी टीम का, जिन्होंने बहुत कुशलता के साथ, बहुत तत्परता के साथ इस केस को हैंडल भी किया और अच्छे से मैनेज भी किया, जिसकी वजह से 10 दिन के अंथक परिश्रम और ट्रीटमेंट के बाद आज वो बच्चा हर पैरामीटर में स्वस्थ है, चाहे हम सांस की, लिवर की, किडनी की, पीलिए की या सेल्स की बात करें। मणिपाल हॉस्पिटल पटियाला का न्यूनेटल यूनिट, यानी कि न्यूबॉर्न यूनिट और पीडियाट्रिक्स यूनिट, हर तरीके से किसी भी प्री टर्म बच्चे और टर्म बच्चे को हैंडल करने में सक्षम है। उनके पास वेंटिलेटर से लेकर हर तरीके की सुविधा जो इन बच्चों के इलाज के लिए ज़रूरी है वो अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।